हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। मैंने बोला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की कोई अपडेट होगी, कोई जानकारी होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर काफी परेशान थे, कल आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने बोला कि जब अपडेट आएगी तभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से रिलीज हो जाती है उसी पर डायरेक्ट वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई पहले यहाँ पे आपको चीजें नहीं बताई जाती हैं। जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़ा है वो जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी मेरिट लिस्ट आती रहेगी आपको हम अपडेट करते रहेंगे, पूरी काउंसलिंग आप ग्रुप के माध्यम से कर सकते हो। देखो यहाँ से क्लियर, यहाँ पे कल आप लोगों के कुछ कोर्सेस जैसे BA हो गया, BSc मैथ बायोलॉजी हो गया, BA LLB LLB और MHW वगैरह कोर्सेज के लिए पहली मेरिट लिस्ट पे काउंसलिंग आपकी होने वाली है। वहीं पे जिसका यहाँ पे कोर्स या जिसका पहले आप लोगों की काउंसलिंग शुरू हो गई थी उनके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं पूरा नोटिस पढ़ देता हूँ एक बार, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देख लो आप यहाँ पे, ठीक है, आप लोग परेशान थे इसलिए परेशानी का जो समाधान है विश्वविद्यालय कर रहा है, और इसी साथ आपको जो मन में डाउट है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए कि प्रवेश हेतु यहाँ पे अधोलिखित पाठ्यक्रमों की अनारक्षित वर्ग की द्वितीय काउंसलिंग दिनांक 15/10/24 को निर्धारित है। मतलब ये क्लियर है सर कि 15 तारीख को सेकेंड मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग होगी। अब देखिए किस किस कोर्स के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट आई हुई है, तो यहाँ पे देख लीजिए BCA BCom BA मास कम्युनिकेशन BMUs और यहाँ पे डिप्लोमा इन यहाँ पे कारकांड, यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे BFA और यहाँ पे BSc AG, यानी इन सात कोर्सेज के लिए क्या हुआ है सर, यहाँ पे कर्मकांड BFA AG यहाँ पे BA ऑनर्स BCom और BCA के लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो गई है। वेबसाइट के माध्यम से आप लोग मेरिट लिस्ट को क्या कर सकते हो, आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, अब देखो मेरिट लिस्ट में दिखा दूं आप लोग को। चलो अब एक चीज ध्यान रखना, इन कोर्सेज की काउंसलिंग पहले शुरू हो गई थी इसीलिए इनकी मेरिट लिस्ट जारी हो गई। अब जिसकी काउंसलिंग 14-15 को होने वाली है, जिसकी मेरिट लिस्ट अभी हाल ही में पहली प्रतीक्षा सूची पहली आप लोग की लिस्ट आई थी, पहली मेरिट लिस्ट आई थी, अब उनका काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी। मतलब एक चीज ध्यान सुनना, देखो यहां से ये जो कोर्स दिए गए सात कोर्सेज इनकी काउंसलिंग होने वाली है 15/10/24 को, तो अब जब इन कोर्सेज में सीट खाली होगी तो अब क्या होगा, 16 तारीख के बाद इन कोर्सेज की क्या आएगी, इन कोर्सेज की मेरिट लिस्ट आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी इन कोर्सेज की, वो भी कंफर्म है 100% कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी ही आएगी। इसको आप लोग ये मत कहना कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, जरूर आएगी, ठीक है, लेकिन आएगी कब, जब 15 को इसमें काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद आप मान चलना कि 18 से 19 तारीख के बीच में आप लोगों का क्या होगा, थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसके पहले जो BA LLB LLB और बाकी कोर्सेज की जो काउंसलिंग होने वाली है 14 से 15 तारीख के बीच में, इनकी जो आपकी सेकेंड काउंसलिंग है ये इसके बाद आएगी। मतलब जब इनकी काउंसलिंग हो जाएगी, पहली मेरिट लिस्ट की काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद सेकेंड लिस्ट जारी होगी, फिर जब सेकेंड की हो जाएगी उसके बाद थर्ड जारी होगी, थर्ड हो जाएगी तो फिर फोर्थ जारी होगी। अगर मान लो सपोज दैट एग्जाम्पल ही समझ लो कि फोर्थ मेरिट लिस्ट आती है, ठीक, और आपके कोर्स में 240 सीटें हैं, 240 से 240 सीटें अगर फुल हो जाती हैं तो आपकी फिफ्थ मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। ठीक, अगर वहीं पे आपके 10 सीट भी खाली है तो आपकी फिफ्थ मेरिट लिस्ट आएगी। मतलब अगर सीट जब तक खाली रहेगी तब तक मेरिट लिस्ट आपकी कंटिन्यू आती रहेगी काउंसलिंग के बाद। क्लियर, अब ये चीज देख लेना सर आप लोग मैं दिखा दूं कि आप लोगों ने देख लिया भाई इन कोर्सेज की सेकेंड मेरिट लिस्ट आ चुकी है, ऐसे आपकी आएगी सेकेंड, ऐसे आएगी आपकी थर्ड, ऐसे आएगी आपकी फोर्थ। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, BSc AG की द्वितीय सूची, यहाँ पे देखो क्लियर लिखा गया द्वितीय सूची, यानी कि इन कोर्सेज के लिए द्वितीय मेरिट लिस्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। इस पर क्लिक करोगे और अपने मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो गेट पास डाउनलोड कर लो, और 15 को आपको जाना है काउंसलिंग में, अपने डिपार्टमेंट में आपको पहुंच जाना है और आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक, अब जैसे से मान लीजिए सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, आपका गेट पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, थर्ड में आएगा फिर आपका गेट पास डाउनलोड कर पाओगे। इस प्रकार से कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सभी कोर्स की सीट फुल नहीं हो जाएगी। ठीक, धैर्य बनाए रखो, कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी, एकदम निश्चिंत रहना, क्योंकि जो बच्चे अच्छे नंबर वाले हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे कॉलेज में दूसरे विश्वविद्यालय में एडमिशन ले चुके होंगे, वो एडमिशन नहीं लेने वाले हैं। अब जैसे जैसे कट ऑफ नीचे गिरती जाएगी आपको एडमिशन का मौका मिलता जाएगा। ठीक,
निश्चिंत रहना, और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे हमें भी लगे कि हाँ जो स्टूडेंट्स हमारे हैं हमसे पढ़े हुए उनका लगातार एडमिशन हो रहा है, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की हर अपडेट, हर इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से और इस आपके टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म से मिलती रहेगी। थैंक यू।